कौन थी वो? मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और अपनी डिलीवरी के लिए अपने मायके गई थी। माँ ने मुझे फोन पर बताया, घर के पीछे की तरफ जो खाली जमीन थी ना, वहां पर एक नया कमरा बनवा लिया है। इतने सालों के बाद जैसे ही अपने घर में कदम रखा, कुछ अलग सा लगा। माँ, ये घर के पीछे की तरफ नया कमरा बनवाने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, घर के पीछे दूर दूर तक खाली जमीन है। तेरे पापा को कई दिनों से लग रहा था कि यहाँ पर एक कमरा बनवा लेंगे तो ताजा हवा मिल जाया करेगी। अब तो ये सब छोड़ और चल, जल्दी से दूध पी ले। माँ, मैं थोड़ी देर में पी लूंगी, आप सो जाओ। मैंने दूध का गिलास उठाकर उस खिड़की में रख दिया। पता नहीं कब आंख लग गई। अचानक से खिड़की के पल्लों के खड़कने की तेज आवाज आई। दूध का गिलास धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही दूध का रंग लाल हो चुका था। मैंने खिड़की से झांक कर बाहर देखा, चारों तरफ धूप अंधेरा था। उस अंधेरे की तरफ से कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे छोटे बच्चे आपस में खिलखिलाकर मस्ती कर रहे हो। इतनी रात को इतने घनघोर अंधेरे में बच्चों की आवाज कैसे आ रही है? घड़ी में वक्त देखा तो ठीक 12 बजे थे। देखकर मैं सन्न रह गई। बुरी आत्माओं और भूतों की कई कहानियां मैं सुन चुकी थी, वक्त भी कुछ ऐसा ही था। ऊपर से मैं प्रेग्नेंट। सुना था कि ऐसे वक्त में अक्सर बुरी आत्माएं औरतों का पीछा करती है, तो क्या मेरे पीछे भी? पसीने से तर बतर, बड़ी मुश्किल से, जैसे कांपते हाथों से मैंने उस खिड़की को बंद किया। जल्दी से जल्दी उस कमरे से बाहर निकलकर माँ के पास जाने के बारे में सोचा, लेकिन जैसे ही दरवाजे की तरफ पलटी, लगा कोई साया हवा की स्पीड से दरवाजे के सामने से गुजर गया। मेरे गले में अटक कर रह गई। मैं जोर से चीख कर माँ को बुलाना चाहती थी, लेकिन वो आवाज खुद मेरे कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो माँ तक कैसे पहुंचती? खिड़की के पल्ले एक बार फिर तेज हवा के झोंके से धड़ाम करके खुल गया और पूरी ताकत से मैं चीख पड़ी। जानती थी मेरी चीख की आवाज सुनकर कुछ ही सेकंड में माँ वहां पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मेरा कलेजा डर के मारे फटा जा रहा था। आखिर माँ ने मेरी आवाज क्यों नहीं सुनी? इतनी गहरी नींद में तो माँ कभी नहीं सोती। ठीक पीछे खुली हुई वो खिड़की,